हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फिजियो अंजना, जहां मेरी हमेशा से यही कोशिश रहती है कि मैं फिजियो रिलेटेड टॉपिक्स आप तक अच्छे से सिंपल वे तक समझा सकूं। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है बेल्स पेल्सी में हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सी, बेल्स पेल्सी अप्रप्टली एकदम सडन होने वाला फेशियल पैरालिसिस है। आप हो सकता है कहीं बैठे हों और आपका आपको कोई आपका रिलेटिव ये पता है कि आपकी आंख बंद नहीं हो रही, या आपकी स्माइल थोड़ी अब नॉर्मल लग रही है, या आपका पानी पीने से यहाँ से पानी टपक रहा है, यू नो एबनॉर्मल मूवमेंट है लिप मूवमेंट की। तो सबसे पहले मैं आपको सबसे पहले ये कहना चाहूँगी, आप बिल्कुल पैनिक मत करिए और एक मेडिकल प्रोफेशनल की आप हेल्प लीजिए। आपको दिखाना है या तो ENT डॉक्टर को या न्यूरोलॉजिस्ट को। ये डॉक्टर्स आपकी कंडीशन असेस करके, दे आर ट्रेंड, देख के आपकी कंडीशन को असेस करके मे बी आपको कुछ स्टीरॉयड्स या कुछ एंटीवायरल ड्रग्स या आइज के कुछ लुब्रिकेंट्स या टीयर ड्रॉप्स, इस तरह की कुछ चीज़ें एडवाइस करें। सबसे इम्पॉर्टेंट फ्रेंड्स इस स्टेज पर ये है, फर्स्ट 72 आवर्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज इस समय आप कोई भी अल्टरनेटिव वे अल्टरनेटिव मेडिसिन को ट्राई ना करें, बिकॉज 72 आवर्स वेरी इम्पॉर्टेंट। इस समय आपको जो नर्व का जो प्रेशर आ गया है हमारी नर्व पर, फेशियल नर्व पर, उसको रिलीज करने के लिए मेडिकल हेल्प और डॉक्टर की दवाइयों की बहुत ही इम्पॉर्टेंस है। इस समय आप कुछ भी अल्टरनेटिव चीज़ों को नहीं ट्राई करेंगे। जो डॉक्टर ट्रेन है इस चीज़ में वो है न्यूरोलॉजिस्ट या कि ENT डॉक्टर्स। ENT डॉक्टर आपकी कान का ये सब चीज़ें को असेस करके, नर्व एंट्री पॉइंट को असेस करके न्यूरोलॉजिस्ट आपको कुछ गाइड कर सकते हैं। डिपेंडिंग ऑन योर कंडीशन इट माई इंक्लूड सम स्टीरॉयड्स, या फिर आपको एंटीवायरल ड्रग्स हो सकती हैं, या कोई एंटीबायोटिक अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का कोई इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक, या फिर आपको आइज की लुब्रिकेशंस के लिए टीयर ड्रॉप्स या कुछ नाइट की ड्रॉप्स दे सकते हैं। आप उनको बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, आप उसको रेगुलर वे में लें। सेकेंड पॉइंट जो आपको देना है, ध्यान देना है कि आपको रेस्ट लेना है, अपनी बॉडी को पूरा रेस्ट देना है, बिकॉज कई बार ये देखा गया है कि बहुत स्लीपलेस नाइट्स या बहुत टेंशन एंजाइटी की वजह से, रेस्ट ना करने की वजह से भी ये फेशियल नर्व्स इरिटेट होके प्रेशर आ जाता है। सो आपको पूरा रेस्ट देना है और पूरा बॉडी को हील करने का टाइम देना है। जैसे आप रेस्ट देंगे तो आपकी बॉडी हील करेगी और इसको नर्व रिकवरी के चांसेस बहुत अच्छे रिकवर करेगी। इस स्टेज पे, एक्यूट स्टेज में आपको कोई फोर्सफुल मूवमेंट नहीं ट्राई करना है और आपको लाइट मसाज करना है फेस पे। इस स्टेज में एक्यूट जो इनिशियल स्टेजेस हैं उसमें जो इम्पोर्टेंस होता है वो मसाज का इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। आपने फेस की मसल्स को, मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है जिसमें मैंने फेस को किस तरह मसाज करना है वो चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की हैं। मैं ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए आपको यही कहना चाहूँगी यहाँ पर कि आप अपने पूरी मसल्स को डीप यहाँ से पॉइंट्स को स्टिमुलेट करें। इसी तरह आपकी फेस की 3 लाइंस 1, 2, 3 तीनों के ऊपर आप इस तरह सर्कुलर मसाज करें, पीछे तक ले जाएं, यहाँ से सर्कुलर मसाज करें पीछे तक ले जाएं, इसी तरह यहाँ से मसाज करें पीछे तक ले जाएं, यहाँ से मसाज करें पीछे तक ले जाएं। कोई भी पॉइंट अपना इग्नोर ना करें, राइट। लिम्फेटिक ड्रेनेज को आपको क्लियर करना है, इस तरह क्लियर करना है और यहाँ पर आपको इसको सर्कुलर मोशन देना है, बिकॉज अगर हम मसाज करेंगे तो आपकी जो अफेक्टेड साइड है और नॉन अफेक्टेड साइड्स हैं रिलैक्स रहेंगी और सिंक्रोनाइसिस यानी अबनॉर्मल मूवमेंट पैटर्न होने के चांसेस बहुत कम होंगे। तो ये आपको बहुत ध्यान रखना है और इसके साथ आपको करना है हॉट फर्मेंटेशन, गर्म पानी का सेक। गर्म पानी में आप हल्का सा कोसा गर्म करके टकोर कर सकते हैं इस तरह। कोशिश करिए कि आप एक कपड़ा लीजिए, उसमें आप कोई ग्रेन जैसे चावल या गेहूं को रैप करके एक पोटली टाइप बनाइए, उसको आप 15 सेकेंड्स या 30 सेकेंड्स तक माइक्रोवेव में रखिए, उसमें हीट जनरेट होगा, उस चीज़ को आप इस तरह
पैट करके आइस पर, इस तरह आप उसकी धीरे धीरे सिकाई करिए, इस तरह सारे फेस पर सिकाई करिए। सी इससे क्या होता है, जो फेस का जो मसल्स हैं नॉर्मल और एबनॉर्मल दोनों में रिलैक्स रहेगा, एंड आपको जो फेशियल पेन रहते हैं बिकॉज ऑफ बेल्स पेल्सी की वजह से फेस में रेडिएटिंग पेन्स आते हैं उसमें आपको बहुत फ़ायदा होगा। इसके साथ आपको जो ध्यान रखने की बात है वो है अपनी आईज को ड्रॉप्स बहुत बहुत जरूरी से आपने निगलेक्ट नहीं करना, बिकॉज आँख खुली रहती है तो देर वेरी मच फ्यर चांसेस इन्फेक्शन होने के, कंजक्टिवाइटिस या और तरह का कोई आई इन्फेक्शन होने के। तो उसको बचाने के लिए आपने आईज की टेपिंग करनी है, या रात के टाइम, या अपने आईज को प्रोटेक्ट करके पैच कर सकते हैं। देर आर रेडी पैचेज अवेलेबल इन द मार्केट, वो आई पैच करके आप सो सकते हैं, बिकॉज रात को भी आँख खुली रहेगी, बिकॉज जैसे आप सोएंगे तो आई विल बी ओपन, जिसकी वजह से आपको फटीक होगा और आँख में इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। तो आँख को आप टेपिंग कर सकते हैं और या पैच यूज कर सकते हैं। इसी तरह दिन में अगर आप बाहर जाएं तो अवेलेबल रहते हैं, जैसे कैटरेक्ट सर्जरी के बाद एक चश्मा यूज करते हैं उसी तरह का चश्मा आप पहन सकते हैं, नहीं तो आप गॉगल्स भी यूज कर सकते हैं जिससे कि आपका कोई डस्ट पार्टिकल आंख में ना आए, राइट। और आपको हल्की हल्की आई एक्सरसाइज करना है, बिल्कुल ओवरडू नहीं करना, राइट। तो आपने इस आईलिड को आप स्ट्रेच कर सकते हैं इस तरह, बिकॉज थक जाता है, इस तरह यहां से स्ट्रेच करिए ये वाला आईलिड, राइट। और आपने कोई फोर्सफुल मूवमेंट नहीं करना, राइट। और अब अगर आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो आप इसको आईज को हल्का सा यहाँ से पकड़ के धीरे से बंद करेंगी, और अगर ये डिफ़िकल्ट है तो आप बिल्कुल फोर्सफुल नहीं करेंगे, एक्टिव असिस्टेड यानी कि 50% आपकी बॉडी करेगी, 50% आपका हैंड यूज़ करेगा। अगर बिल्कुल नहीं हो रहा तो आपने एक्सरसाइज की करने की ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं करना है, डू नॉट ओवरडू, डू नॉट ओवर स्ट्रेन, बिकॉज ओवर स्ट्रेन से क्या रहता है, आपकी जो नॉर्मल साइड का सिग्नल्स हैं, बिकॉज एबनॉर्मल, दिस इज एबनॉर्मल, राइट, दिस इज पैरालिटिक, तो यहाँ का सिग्नल नॉर्मल साइड का सिग्नल यहाँ आएगा और देर इज क्रॉस कनेक्शंस जो कि हमारा माइंड रजिस्टर करेगा और एबनॉर्मल मूवमेंट पैटर्न जिसे कि हम कहते हैं सिंकाइनेसिस डेवलप हो जाएगा। सिंकाइनेसिस मीन्स जैसे कि आप अगर आँख बंद करते हैं तो आपको खाना खाते हुए आपकी आंख बंद हो जाएगी, इस तरह की एबनॉर्मल, एक मूवमेंट करेंगे तो दूसरी एबनॉर्मल मूवमेंट आपको दिखेगी, इस तरह की चीज़ें सिंकाइनेसिस, एबनॉर्मल फेसेस, फेशियल एक्सप्रेशंस डेवलप हो जाएंगे। तो इन चीज़ों का आपने बहुत ध्यान रखना है। टेक इट रेस्ट, पैनिक इसलिए नहीं करना बिकॉज नर्व का जो ग्रोथ है 1 mm पर डे यानी बहुत स्लो स्पीड पर रिकवर करता है, और अगर हम बहुत जोर जबरदस्ती से हम एक्सरसाइज करेंगे तो हम नर्व की हीलिंग में भी इंटरफेयर करेंगे, नर्व बिकॉज हम एक्सरसाइज करके नर्व को भी इरिटेट करेंगे, मूव करेंगे जिससे कि वो हीलिंग इफेक्ट होगी। तो हमें नर्व को बिल्कुल एक्सर्ट नहीं करना, उसको रेस्ट देना है, उसको हील होने का टाइम देना है। और आपको एक्सरसाइज जब करनी है, जब आपकी थोड़ी मूवमेंट आने लगे धीरे धीरे, फिर आपने असिस्टेड एक्सरसाइज यानी कि जैसे स्माइल कर रहे हैं एक्सरसाइज का, मैंने एक ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया है, आप उसे ज़रूर फॉलो करें बिकॉज मैंने एक्सरसाइज का कंसेप्ट उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आप ये सब चीज़ें फॉलो करेंगे तो बहुत जल्दी रिकवरी होगा, एंड बिकॉज सी इसमें फेशियल पैरालिसिस इज़ अ वेरी ट्रिकी इश्यू, राइट। इसमें हम कुछ स्पीड अप रिकवरी नहीं कर सकते क्योंकि नर्व की अपनी ग्रोथ है, नेचुरल रिकवरी होने में थोड़ा वक्त लेता है। तो गिव योर बॉडी टाइम टू हील एंड हैव पेशेंस। 90% पेशेंट्स बहुत अच्छे से हील होते हैं, और मतलब 4 to 6 weeks में हील हो जाता है, और बहुत कम पेशेंट्स होते हैं जिनको थोड़ा टाइम लगता है, 6 to 8 months लग सकते हैं। सो और कुछ में कुछ स्पेशलाइज ट्रीटमेंट जरूरत हो सकती है। तो मैं इस स्टेज पर आपको यही कहना चाहूँगी कि आप अपने आप को रिलैक्स रखिए, बी पॉजिटिव, और अपनी रिकवरी में, अपनी बॉडी को रिकवर करने में हेल्प करिए। थैंक यू।
अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज शेयर टू योर फ्रेंड्स जिनको ये प्रॉब्लम है बिकॉज दे माइट नीड दिस इंफॉर्मेशन एंड उनके लिए बहुत यूजफुल हो सकती है. थैंक यू.